और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाइयों और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे, बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए, आपने इतने दशकों के संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए, अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं,
राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने है, संकल्प है, और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी है। साथियों, आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। साथियों, पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की। हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी। हमने इसके लिए हमने सामाजिक चेतना साथ साथ कड़े कानून दोनों का सहारा लिया। पहली बार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जन आंदोलन चला, जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुआ। हमने बालिकाओं के, महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया।
हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले, इसके लिए मातृ वंदना योजना के तहत 3.25 करोड़ से अधिक बहनों को सीधी मदद दी। हमने सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को हेल्थ चेकअप कराया।